हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, कॉल्स इन एरियर्स में हम क्या पढ़ेंगे? कॉल्स इन एरियर में हम लोग ये देखेंगे कि जब हम लोग शेयर होल्डर से पैसे मांगते हैं, यानी जिन लोगों को हमने शेयर्स इश्यू किया हुआ था उन लोगों से जब हम पैसे मांगते हैं, तो वो लोग अगर पैसे ना दें तो उस टाइम पे हमें क्या करना होता है। ठीक है, होता क्या है कि जब हम किसी से पैसे मांगते हैं तो कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं जो टाइम पर पैसे नहीं देते हैं, तो उन लोगों के लिए एंट्री करनी पड़ती है। तो वो उस टाइम पे एंट्री कैसे करनी पड़ती है वही हमें सीखना है। ठीक है, और एक बात तो और मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको ये एंट्री सीखनी है तो एक बार आप बेसिक एंट्री जरूर देख लेना, क्योंकि अगर आपको बेसिक एंट्री का आइडिया रहेगा ना तो यहाँ पे ये एंट्री करने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, ओके, तो मैं चलो इसको स्टार्ट करता हूँ। पहले ये समझाने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज आपको और याद दिला देता हूँ। बेसिक चीज क्या याद दिलाता हूँ कि देखो, आप लोगों को याद होगा कि मैंने बताया था एप्लीकेशन के टाइम पे, यानी हम लोग तीन टाइम में पैसे मंगवाए थे, याद होगा तो, जो मैंने वीडियोस बनाए हैं इसके पहले के उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था। मैंने क्या बताया था कि हम लोग पैसे मिलते हैं एप्लीकेशन के टाइम पे, अलॉटमेंट और कॉल्स। अब इस कॉल्स में फर्स्ट हो सकता है, सेकेंड हो सकता है, फाइनल हो सकता है, या और भी ज्यादा करना तो कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इतना ही नेसेसरी होता है। अब देखो, ये जो फर्स्ट स्टेज होता है एप्लीकेशन वाला स्टेज जिसको बोलते हैं, तो इस फर्स्ट स्टेज में कभी भी कॉल्स इन एरियर्स नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? एप्लीकेशन है भाई। देखो, जैसे कि मान लो कि मैंने जैसे बताया था कि अगर मान लो कहीं बिल्डिंग्स बनती हैं या कुछ ऐसा मॉल्स बनते हैं, तो वहां पे हम लोग को क्या, अगर कोई रूम चाहिए होता है या कोई शॉप चाहिए होती है, तो हम लोग को वहां पे क्या एक टोकन मनी देना होता है। तो अब टोकन मनी देना होता है तो उसी को हम लोग शेयर की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन बोलते हैं। अब मान लो कि जिन लोगों ने एप्लीकेशन ही नहीं दिया हो, वो हम उनसे पैसे क्यों मांगेंगे? सीधी सी बात है यार, जिन लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, अब उन लोगों से हम थोड़ी पैसे मांगने जाएंगे। हम तो पैसे उनसे मांगेंगे जिन लोगों ने एप्लीकेशन भरा था। यानी कि कभी भी एप्लीकेशन के टाइम पे कॉल्स इन एरर्स नहीं आएगा, यानी कॉल्स इन एरियर्स नहीं आएगा। क्लियर इतना? यानी जो कॉल्स इन एरियर्स आपका आएगा वो या तो अलॉटमेंट के टाइम पे आएगा या तो कॉल्स के टाइम पे आएगा। अब अलॉटमेंट के टाइम पे आपको याद होगा मैंने दो एंट्रीज बताई थी। एक मैंने बताया था अमाउंट ड्यू, क्या बताया था मैंने, अमाउंट ड्यू, और दूसरा क्या मैंने बताया था, रिसीव, यानी कि जिसमें हम लोग को पैसे मिलते हैं, यानी हम लोग बैंक वाला लिखते थे, है ना। तो अब यहाँ पे यही हमें सीखना है कि यहाँ पे कौन से टाइम पे एंट्री होती है, तो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो मेथड मैंने बताया है, एक बताया है विदाउट ओपनिंग और एक बताया है बाय ओपनिंग, यानी कि जो कॉल्स इन एरियर वाली एंट्री होती है वो दो तरीके से कर सकते हैं, तो इसको बाद में देखना। पहले ये ऊपर वाला देखो, यहाँ पे क्या होता है, अमाउंट ड्यू अलॉटमेंट के टाइम पे, तो एंट्री क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। यानी जब हमें पैसे मांगने होते हैं अलॉटमेंट के टाइम हो या फर्स्ट कॉल हो या फाइनल कॉल हो, तो क्या लिखोगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, या अगर फर्स्ट कॉल होगा तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल होगा तो क्या लिखोगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। यानी मांगते टाइम पे तो आपको पता नहीं होगा, अपन हम अंतर्यामी तो है नहीं यार कि हमें पता चल जाएगा कि मान लो सचिन पैसे नहीं देने वाला है, राहुल पैसे नहीं देने वाला है, तो हमें क्या, हमें तो वेट करना है ना कि जब जिस दिन पैसे मिलने की डेट आएगी उस दिन पता चलेगा ना कि किसने नहीं दिया। अब मान लो पैसे मिलने की डेट आ गई थी, यानी जिस दिन आप रिसीव करने वाले थे, अब उस दिन रिसीव करने वाले थे तो पैसे हमें नहीं मिले, तो एंट्री क्या होगी? तो पहले तो मैं ना आपको बाय ओपनिंग वाला समझाता हूँ, क्योंकि ये ज्यादा आसान होता है और ये समझ में भी जल्दी आ जाता है। तो ये देखो, इसमें क्या होगा कि बाय ओपनिंग वाले में इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट करना है, जैसे हम लोग पहले ही करते थे, ठीक है, और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट करना जैसे पहले करते थे, कोई चेंजेस नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट करो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट करो, यहाँ पे जितना हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में कॉल किया था वो पूरा का पूरा अमाउंट यहाँ लिख दो। अब ये देखो कि पैसे कितने शेयर्स पे मिले हैं, उनको बैंक में ला लिख देना, और जिन शेयर्स पे पैसे नहीं मिले हैं उनको कॉल्स इन एरियर्स पे लिख देना। आया समझ में? इतना क्लियर हुआ? अभी है विदाउट ओपनिंग। अब विदाउट ओपनिंग वाले में क्या है, थोड़ा सा चेंजेस है, यहाँ पे देखो कॉल्स इन एरियर्स नहीं लिखा है, तो यहाँ पे एंट्री कैसे हो जाएगी? ये जो अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट किया हुआ है ना, इस वाले मैंने क्या बताया था, पूरा का पूरा यहाँ पे अमाउंट कॉपी पेस्ट करना है, पर इसमें क्या होता है, जितने भी पैसे मिले हैं ना सिर्फ उतना ही लिखना होता है। जैसे कि मान लो कि मैंने 1000 शेयर्स इश्यू किए थे, ठीक है,
1000 शेयर्स इशू किए थे और 900 पे ही पैसे मिले, 100 पे नहीं मिले, इस पे ही मिले। ओके तो यहाँ पे कैसे लिखोगे, जैसे 900 पे पैसे मिले हैं तो यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट में 900 मल्टीप्लाई बाय जितना अमाउंट होगा, और इसी शेयर्स पे पैसे मिले हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट में 900 मल्टीप्लाई बाय जितना पैसा मिला। समझ में आया, ये हो गया तुम्हारा विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स। अब जब बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर करोगे, यानी कि जब कॉल्स इन एरियर अकाउंट्स को लिखोगे तब क्या करोगे, यही एग्जांपल लो कि 1000 शेयर्स था तो अलॉटमेंट अकाउंट में तो पूरा का 1000 लिख देना, क्योंकि हमने कॉल तो 1000 पे ही किया था, ठीक है, पर पैसे कितने में मिले, सिर्फ 900 पे, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने में करना, सिर्फ 900 में, और बाकी जो 100 होगा वो क्या हो जाएगा, कॉल्स इन एरियर्स, तो वो यहां पे लिख देना 100, और इनका जो रिस्पेक्टिव अमाउंट होगा वो लिख देना। समझ में आया, क्लियर हुआ इतना कि ये कैसे करना है। तो एक छोटा सा इलस्ट्रेशन देखते हैं, फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन पे जाएंगे। ओके देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अरुण लिमिटेड मेड फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर ऑन इट्स 50,000 शेयर्स, वन शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर्स डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल, उसने क्या नहीं पे किया था, फर्स्ट कॉल पे नहीं किया था, बट ही पेड ऑल अदर अमाउंट्स, रिमेनिंग ऑल शेयर होल्डर्स वेयर पेड ऑल द अमाउंट्स, और बाकी जो रिमेनिंग शेयर होल्डर्स थे उन लोगों ने सारे अमाउंट पे कर दिया, बाकी इसने सारे पैसे पे कर दिए थे और रिमेनिंग शेयर होल्डर्स ने बाकी पैसे दे दिए हैं, तो यहाँ पे कितने ने पैसे नहीं दिया, 1000 शेयर होल्डर्स ने पैसे नहीं दिए हैं और बाकी लोगों ने पैसे दे दिए हैं, और जो भी हमारी ड्यू डेट थी उस पे, तो जल्द एंट्री पास करनी है। तो इसमें कैसे करोगे, मैंने क्या बताया, सबसे पहले नॉर्मल जो कॉल करते थे वही करेंगे, तो ये कौन सा कॉल है, फर्स्ट कॉल है, तो इसकी एंट्री हम लोग क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं बोलो, हाँ ओके, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, यहां पे समझा रहा हूं ध्यान से देखना, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब कितने शेयर पे हम लोगों ने कॉल किया था, 50,000 शेयर्स पे कॉल किया था, ओके और कितना अमाउंट था, ₹2 था, तो यहां पे क्या लिखोगे कि 50,000 शेयर्स थे और हमने कॉल किया था ₹2 के अकॉर्डिंग, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल ₹1,00,000 हो जाएगा, और यहां पे भी ₹1,00,000 हो जाएगा। ओके ये तो हमारा हो गया फर्स्ट कॉल का। उसके बाद हमने जब कॉल अमाउंट रिसीव किया था, तो जिसमें मैंने दो मेथड बताया, एक बाय ओपनिंग और एक विदाउट ओपनिंग, तो मैं बाय ओपनिंग वाला बता देता हूँ, विदाउट ओपनिंग वाला वैसे ही समझा दूंगा मैं डायरेक्टली, तो समझ जाओगे तुम लोग, ठीक है, क्योंकि जो बाय ओपनिंग वाला होता है वो वाला क्या रहता है, बेटर रहता है, कन्फ्यूजन नहीं होता है उसमें, तो वही वाला मेथड फॉलो करते हैं। तो बाय ओपनिंग है, तो सबसे पहले ओपनिंग हो या ना हो, सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि जो हमारा रेगुलर एंट्री वही लिखो, तो रेगुलर एंट्री क्या है हमारा, कि पैसे मिलेंगे तो बैंक अकाउंट तो डेबिट करना ही है, वो रेगुलर एंट्री है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। और शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट कर देना है, ये तो डायरेक्टली क्रेडिट कर देना है, तो यहां पे क्या लिखोगे, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट, वो हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया, क्लियर इतना। अब आता है कि यहां पे अमाउंट कैसे लिखना है, तो देखो जैसा मैंने बोला कि जब बाय ओपनिंग होगा तो यहां पे जितना है वही कॉपी पेस्ट यहां पे कर देना, तो बिना कुछ सोचे ₹1,00,000 ऐसे लिख दो, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो क्या लिखा था कि 1000 लोगों ने पैसे नहीं दिए हैं, तो कितने लोगों ने पैसे दिए होंगे, 50,000 लोगों से मांगे थे, तो 50,000 माइनस 1 करो तो आएगा 49,000, यानी 49,000 लोगों ने पैसे दिए हैं, कितने रुपए, दो, तो ये कितना हो जाएगा 98,000। और जिन लोगों ने पैसे नहीं दिए हैं उनके लिए क्या लिखोगे, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। अब ये कितने लोग हैं, 1000 लोग थे, अमाउंट कितना है, ₹2, यानी हो गया 2000, हो गया ना 98 प्लस टू 1,00,000, 1,00,000 डेबिट क्रेडिट, क्लियर हो गया, समझ में आया इतना। ओके तो अभी एक काम करते, एक लॉन्ग क्वेश्चन भी समझ लेते हैं हम लोग किसी के साथ में, तो क्या रहेगा, फ्लो बना है, तो ये भी समझ में आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ कि नहीं, अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार रिवाइंड करके देख लेना वापस, ठीक है। मैं फिलहाल लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं, तो ध्यान से देखना, अभी आगे वो थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए बोल रहा हूं। ओके देखो यहाँ हमारा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, जोजो लिमिटेड ऑफ सूरत इश्यूड 9,00,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10,
क्या लिखा हुआ है, कितना शेयर इश्यू किया था हम लोगों ने, 9 लाख। फिर द कंपनी रिसीव्ड 10 लाख एप्लीकेशन। अब देखो कंपनी ने इश्यू कितना किया था, 9 लाख, रिसीव कितना किया, 10 लाख। तो अब हमें यहां करना क्या होगा, बात समझो कि मैंने तो इश्यू किया था 9 लाख, पर मिल कितना गया हम लोगों को, 10 लाख। तो हम लोग क्या करेंगे कि आगे जो मिला था वो हम लोग रिटर्न कर देते हैं। देखो यहां लिखा भी है, एक्सेस शेयर एप्लीकेशन वेयर रिजेक्टेड एंड द एप्लीकेशन मनी देयर ऑन वाज रिफंडेड टू द एप्लीकेंट्स। मतलब क्या होता है कि अगर एक्स्ट्रा हमें मिल जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, रिफंड कर देते हैं, या जिन लोगों का शेयर एप्लीकेशन जिन लोगों ने किया था उन लोगों को पैसे वापस कर देते, या तो प्रोरेटा अलॉटमेंट करते हैं। तो प्रोरेटा का तो अभी मैंने समझाया नहीं है, तो सीधी सी बात वो पॉइंट आएगा नहीं यहाँ पे, मतलब जब मैं पॉइंट समझाऊंगा तब उसके क्वेश्चन लिखूंगा ना। तो फिलहाल याद रखना कि ऐसा हम प्रोरेटा में करते हैं, एक्सेस भी मिल जाए तो भी हम दे देते हैं, तो ये हमारा प्रोरेटा वाला तो है नहीं, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या लिखा है, अमाउंट ऑन शेयर्स वॉज कॉल्ड अप एज अंडर, कितना कितना कॉल किया था, ऑन एप्लीकेशन ₹3 पर शेयर, ऑन अलॉटमेंट ₹2.5 पर शेयर, ऑन फर्स्ट कॉल ₹2 पर शेयर, ऑन फाइनल कॉल ₹2.5 पर शेयर। फिर आगे लिखा हुआ है, रोशनी हु वाज अलॉटेड 800 शेयर्स कुड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्या लिखा है कि रोशनी हु वाज अलॉटेड 800 शेयर कुड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल, यानी इसने जो रोशनी नाम की थी उसने क्या किया, दो कॉल पे नहीं किया, एक फर्स्ट और एक फाइनल, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, वेयर किरण हु वाज अलॉटेड 700 शेयर्स कुड नॉट पे फाइनल कॉल मनी। क्या लिखा है कि किरण जिसको हम लोगों ने 700 शेयर्स अलॉट किया था उसने क्या किया, फाइनल कॉल पे नहीं किया, क्लियर है। फिर आगे लिखा है, एक्सेप्ट दिस ऑल द अमाउंट्स ड्यू फ्रॉम ऑल द शेयर होल्डर्स वेयर रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट्स पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज रिलेटिंग टू अबाउट ट्रांजेक्शंस, क्लियर है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, तो एक काम करता हूं मैं यहां पे क्वेश्चन शॉर्ट में लिख देता ताकि बार बार हम लोग ये पूरा क्वेश्चन, इतना लेंदी क्वेश्चन रीड ना करना पड़े। तो सबसे पहले क्या है कि 9 लाख इक्विटी शेयर इशू किया था, तो यहां मैं लिख देता हूं कि कितना शेयर इशू किया था, 9 लाख, ठीक है, ये इश्यूड है। और हम लोगों ने रिसीव कितना किया था, 10 लाख, ठीक है। तो जो बीच का डिफरेंस है 1 लाख वो हम लोग क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, समझ में आया। और इनकी जो एक्सेस अमाउंट है वो हम लोग क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे, समझ में आया, क्लियर इतना। अब देखो हम लोगों ने 4 बार में पैसे मांगे थे, एक एप्लीकेशन, ठीक है, अलॉटमेंट, फर्स्ट और फाइनल। थोड़ा ध्यान से देखना, एप्लीकेशन के टाइम पे क्या लिखा हुआ है, ₹3 था, अलॉटमेंट के टाइम पे 2.5, फर्स्ट कॉल के टाइम 2 और उसके बाद भी 2.5, ठीक है, ये 2.5 है, इतना क्लियर है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, आगे ये लिखा हुआ है कि रोशनी ने 800 शेयर्स पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं पे किया है, क्या इसने पे नहीं किया है, फर्स्ट एंड फाइनल। तो इन दोनों पे मैं लिख देता हूं कि ये रोशनी ने पे नहीं किया है, ठीक है, चलो पूरा ही लिख देता हूं, रोशनी, कितने शेयर थे इसके, 800, क्लियर रहेगा कि रोशनी ने फर्स्ट और फाइनल पे नहीं किया है। फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किरण ने 700 शेयर्स पे अमाउंट पे नहीं किया है और वो कौन सा कॉल था, फाइनल कॉल। तो यहां पे फाइनल कॉल के सामने नाम लिख देता हूं किरण और शेयर्स कितने हैं, 700, क्लियर है। क्वेश्चन पूरा सामने आ गया, 9 लाख इश्यू किया था, 10 लाख रिसीव किया, 1 लाख रिजेक्ट किया, अमाउंट रिफंड किया, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 2.5, फर्स्ट 2, फाइनल 2.5, फर्स्ट एंड फाइनल रोशनी ने पे नहीं किया, एंड फाइनल किरण ने पे नहीं किया, सिंपल, ओके। यानी इतने में ही हमारा पूरा क्वेश्चन आ गया, इतना बड़ा क्वेश्चन इतने ही पार्ट में आ गया। अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं कि एंट्रीज कैसे पास करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर एक एक एंट्री करके बताता हूं, देखो हमारी जो फर्स्ट एंट्री होती है वो क्या होती है कि जो हमने अमाउंट रिसीव किया है उसके लिए कौन सा अमाउंट रिसीव किया होगा, एप्लीकेशन अमाउंट। तो एप्लीकेशन अमाउंट कौन से शेयर पर रिसीव किया गया, 9 या 10, 10 पे डेफिनेटली, क्योंकि ये एप्लीकेशन रिसीव किया था, ये तो हमने इश्यू किया था, और हम कौन से पे रिसीव करेंगे, जो हमने एप्लीकेशन रिसीव किया है। तो यहां पे अमाउंट, सॉरी, जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट,
कितने शेयर्स थे, 10 लाख शेयर्स थे, मल्टीप्लाई बाय 3, बिकॉज 3 रुपीज है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 लाख हो जाएगा। समझ में आया, थोड़ा ये जीरोस का ध्यान रखना, एग्जाम में जीरोस हमें जीरो दे देते हैं अक्सर। ओके, तो उसके बाद सेकंड नंबर मैंने क्या बताया था कि ये जो अमाउंट रिसीव किया है इसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल में। तो कैपिटल में जब ट्रांसफर करोगे तो उसकी एंट्री क्या होगी, यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट पूरा 30 लाख, इसमें नो कंजूसी डायरेक्टली लिख दो 30 लाख। ओके, उसके बाद क्या लिखते हैं, टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब यहां पे थोड़ा समझने वाली बात है, हमें भले एप्लीकेशन मिला था 30 लाख रुपीज, यानी कि 10 लाख शेयर्स का मिला था, राइट, और अमाउंट टोटल रिसीव किया था 30 लाख, बट हम लोगों ने इश्यू कितना किया था, सिर्फ 9 किया था, यानी कि हमारा एक्चुअल जो कैपिटल है वो तो 9 लाख से ही होना चाहिए ना, 10 तो हमने भाई एक्स्ट्रा रिसीव कर लिया था। तो ये क्या होगा, जब कैपिटल अमाउंट लिखोगे यहाँ, यानी कि जब कैपिटल में ट्रांसफर करोगे तो ट्रांसफर सिर्फ 9 लाख का ही करना, ठीक है, 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये कितना हो जाएगा, 27 लाख। समझ में आया, और बाकी है वो क्या लिखा था क्वेश्चन में कि रिजेक्ट कर दिया और उनका अमाउंट रिफंड कर दिया, तो जब अमाउंट रिफंड करोगे तो गोज आउट हो रहा है, यानी जैसे हमने रूल्स पढ़ा है ना कि एसेट्स गोज आउट तो अकाउंट क्रेडिट करना होता है, तो क्या हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, कितना, 1 लाख शेयर्स है, 3 रुपीज है, यानी यहां पे हो जाएगा 3 लाख। आया समझ में, इतना क्लियर हुआ। ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पे। तो नंबर 3 है अलॉटमेंट का है, तो अलॉटमेंट में तो सिंपली लिखा हुआ है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। अलॉटमेंट का कॉल करो तो क्या लिखोगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कितना है, 2.5 है, शेयर्स कितने हमारे, 9 लाख, तो 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 2.5, और फिर जब रिसीव करोगे तो अलॉटमेंट में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, सारे पैसे मिल गए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। समझ में आया, तो देखो लिखना कैसे है, देखो क्या लिखा मैंने, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है, कितने शेयर्स थे, 9 लाख, अमाउंट कितना था, 2.5, तो 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 2.5 किया तो कितना है, 22,50,000, क्लियर, इतना आया समझ में। उसके बाद बैंक से पैसे मिले तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, इसमें सारे पैसे मिल गए हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसलिए मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं दिखाया, डायरेक्टली यही अमाउंट कॉपी पेस्ट कर दिया। आया समझ में, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो देखो क्या है, यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या किया होगा, नेक्स्ट कॉल किया होगा, नेक्स्ट कॉल कौन सा होगा हमारा, फर्स्ट कॉल। तो जब फर्स्ट कॉल करोगे तो एंट्री क्या लिखोगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, राइट। अब कितने शेयर पे कॉल किया हम लोगों ने, 2 रुपीज है और 9 लाख है, तो क्या हो जाएगा, 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 2, यानी ये आ जाएगा यहाँ पे 18 लाख, क्लियर हुआ इतना, समझ में। फिर आगे देखते हैं नंबर सिक्स वाले में क्या होगा, हमें जो अमाउंट रिसीव करते हैं, तो यहाँ पे जब हम अमाउंट रिसीव करने गए तो हम लोगों को क्या पता चला कि रोशनी नाम की जो शेयर होल्डर है उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं किया है, बाकी लोगों ने तो पे कर दिया है ना, तो जिन लोगों ने पे कर दिया है हम उनके लिए नाम क्या लिखते हैं, बैंक अकाउंट, क्या लिखते हैं उनके लिए, बैंक अकाउंट डेबिट, और जिसने पे नहीं किया है उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, कॉल्स इन एरियर्स, जिन लोगों ने पे कर दिया उनके लिए बैंक अकाउंट, जिन लोगों ने पे नहीं किया उनको उनके लिए कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, और सबके लिए यही कॉपी पेस्ट कर देना, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट, तो यहां भी तो पूरा 18 लाख आ जाएगा, समझ में आया, क्लियर है। तो अभी देखो एंट्री कैसे करनी हो जाएगी, फिर यहां पे बैंक अकाउंट डेबिट किया हम लोगों ने, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने से किया होगा हम लोगों ने, कि देखो टोटल शेयर्स कितने थे, 9 लाख थे, 9 लाख में से 800 शेयर्स पे पैसे नहीं मिले, तो कितने शेयर्स पे पैसे मिले होंगे, देखो टोटल शेयर्स थे 9 लाख जिसमें से 800 शेयर्स पे पैसे नहीं मिले, यानी 8,99,200 शेयर्स पे पैसे मिले होंगे, तो यहां पे लिखोगे 8,99,200 और अमाउंट कितना था, 2 रुपीज था, तो मल्टीप्लाई बाय 2
यानी कितने अमाउंट मिली हम लोगों को, 7,98,400। तो यहां पे लिखोगे 17,98,400। क्लियर हुआ इतना? और 800 शेयर्स पे पैसे नहीं मिले हैं, तो 800 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कितना आ जाएगा, 1600, वो यहां पे लिख दिया। क्लियर हुआ इतना? अब ध्यान से देखो एक बार फिर से, जितने शेयर्स पे पैसे मिल गए उतने यहां पे लिखा 8,99,200, और जितने शेयर्स पे पैसे नहीं मिला उसके लिए कितना लिखा, 800। क्लियर है, समझ में आ गया? तो आगे बढ़ते हैं, यानी हमारा जो नंबर 7 है, तो नंबर 7 क्या हो जाएगा, फाइनल कॉल हो जाएगा। ओके, तो फाइनल कॉल जब लिखोगे तो क्या लिखोगे यहां पे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब कितने शेयर्स यहां पे, सॉरी अमाउंट कितना है, 2.5 है, और शेयर्स हमारे 9 लिखी है, क्योंकि देखो भले यहां पे रोशनी ने पैसे नहीं दिए हैं, लेकिन जब हम नेक्स्ट टाइम कॉल करेंगे तो हम तो पैसे मांगेंगे ना। अब भाई उम्मीद तो लगा के बैठेंगे, शायद लास्ट टाइम नहीं दिया तो इस टाइम दे दे, तो हम तो मांगेंगे सबसे, ठीक है, उसमें हम कोई कहते ना शर्म नहीं दिखाएंगे, बिंदास मांग लेना। कितना है, 9 लाख है। कितने लोगों से मांगोगे, 9 लाख लोगों से, 2.5 रुपीज, अमाउंट कितना हो जाएगा, 22,50,000। मांग लिए पैसे हम लोगों ने, अब आएगा पैसा रिसीव करने का टाइम, तो चलो पैसा रिसीव करते हैं। अब जब पैसा रिसीव करने का टाइम आया तो फिर से पता चला आगे कि रोशनी ने फिर से पैसे नहीं दिए, तो बर्दाश्त हो गया, लेकिन फिर आगे पता चला कि किरण ने भी पैसे नहीं दिए, अब तो और ज्यादा टेंशन हो गई। एक तो रोशनी पहले से ही नहीं दे रही थी, अब किरण ने भी नहीं दिया, यानी इन दोनों ने पैसे हमें दिए नहीं है, तो इन दोनों के लिए क्या लिखोगे, कॉल्स इन एरियर, और दोनों का शेयर ऐड कर देना है। कैसे करना था देखो, तो जब हमें पैसे मिल गए हैं उनके लिए क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, जिन लोगों से पैसे मिल गए हैं उनके लिए चुपचाप लिख देना बैंक अकाउंट डेबिट, जिन लोगों से पैसे नहीं मिले हैं उनके लिए क्या लिखना, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, और जो यहां पे क्रेडिट किया है कैपिटल अमाउंट जितना, उतना ही पैसा, सॉरी यहां पे जितना फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट किया है उतना ही पैसा हम लोग यहां पे क्रेडिट कर देते हैं। तो क्या लिखोगे, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट, कितना, 22,50,000। समझ में आया? अब देखो कितने शेयर्स पे पैसे मिल गए हैं पहले वो चेक कर लेते हैं। टोटल शेयर्स कितने थे यहां पे, देखो टोटल शेयर्स थे 9 लाख। अब उसमें से 800 शेयर्स रोशनी के थे जिसने पैसे नहीं दिए, तो -800। फिर आगे बढ़े तो 700 और आ गया, उसने भी पैसे नहीं दिए, तो -700, यानी इतने शेयर्स पे पैसे मिल गए हैं, 898,500। तो यहां पे क्या लिखोगे, 898,500 शेयर्स पे पैसे मिल गए हैं, और अमाउंट कितना था, 2.5 था, तो मल्टीप्लाई बाय 2.5 कितना हो जाएगा, 22,46,250। तो वो लिख दो, 22,46,250। क्लियर हुआ इतना? और कितने शेयर्स पे पैसे नहीं मिले हैं, तो वो देखो 800 शेयर्स ये थे और 700 ये थे, दोनों को ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, यानी 1500 शेयर्स पे पैसे नहीं मिले हैं, तो 1500 मल्टीप्लाई बाय 2.5, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2.5 कितना हो गया, 3750। तो यहां पे लिख दिया 3750। क्लियर है, इतना आया समझ में, क्लियर है? तो ये हमारा यहां पे पूरा क्वेश्चन जो था कॉल सिनेरियर का मैंने आपको समझा दिया, बेसिक जनरेटर्स भी थी और कॉल सिनेरियर था, तो यह पूरा जनरेटर मैंने आपको लिख के समझा दिया है, ठीक है, क्लियर है? तो ये तो मैंने आपको बाय ओपनिंग वाला बताया था ना, तो एक मैं विदाउट ओपनिंग वाला भी समझा देता हूँ। एक काम करता हूँ मैं, पूरा बस समझाने से बेटर सिर्फ इसी वाले में लिख के बता देता हूँ। तो जैसे मैंने क्या बताया था कि बाय ओपनिंग वाले में तो कॉल्स इन एरियर लिखना है, लेकिन विदाउट ओपनिंग वाले में क्या लिखना है, बैंक अकाउंट डेबिट तो लिखना ही है, जनरेटर तो सेम ही है, और यहाँ पे टू शेयर फाइनल कॉल ये भी लिखना ही है, बस चेंजेस क्या होता है वो देखो। यहां पे चेंजेस ये होता है कि जितने शेयर्स पे पैसे मिले हैं वही लिखने होते हैं, तो कितने शेयर्स पे पैसे मिले हैं, 898,500, तो यहां पे क्या लिखोगे, 898,500 मल्टीप्लाई बाय 2.5,
और यहाँ पे भी 898500 मल्टीप्लाई बाय 2.5, यानी ये तो पहले जैसा ही है, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा चेंजेस हो जाता है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने पूरा 2,50,000 लिख दिया था, 2,50,000 लिखने का रीजन क्या था, यहाँ पे तो मैंने पूरा 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 2.5 कर दिया था ना, तो बस यहाँ पे उन्हीं शेयर्स पे लिखा जितने पे पैसे मिले हैं हम लोगों को, क्लियर है। तो यहाँ पे हो जाएगा 22,46,250, क्लियर है, आया समझ में। तो यहाँ पे आप लोगों का कॉल्स इन एरियर का टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। और धीरे धीरे मैं और आगे वीडियोस बनाता जाऊंगा, तो आप लोग देखते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। मैं और धीरे धीरे इससे भी डिफिकल्ट सम्स लेके आऊंगा और विथ इजिएस्ट वे, आप लोगों को एकदम ऐसा लगेगा कि यार ये चैप्टर को इतना ईजी, हम लोग फालतू ही कहीं इसको इतना कोसते थे, ओके। तो आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिए, ओके। थैंक यू सो मच।